उनका जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन अगर हम उनके बारे में अच्छे से बात करें तो उनका जन्म बेशक लुम्बिनी में हुआ था लेकिन उन्होंने भारत में आके बहुत कार्य किए थे। जैसे उन्होंने जब अपनी धम्म दीक्षा ली थी, जो भी मतलब इनलाइटन हुए थे वो, तो वो बोधि ट्री के नीचे जब इनलाइटन हुए थे तो उनकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, वो इनलाइटनमेंट के लिए आए थे, बोधि ट्री के नीचे उनकी इनलाइटनमेंट हुई थी। तो उन्होंने मतलब उस टाइम भी जब अपना वो दिया था, सरमन दिया था अपना, जो भी होता है मतलब दोबारा ज्ञान जो था उन्होंने दिया था, वो सबसे पहले जो पांच ब्राह्मण्स थे उनको दिया था, क्योंकि जब वो इनलाइटन होने के लिए आए थे तो उन्होंने हर धर्म में जाके ये देखा था कि मुझे कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर से भी देखा था, जैसे कि यहाँ पे ब्राह्मण में भूखे रहते हैं लोग, वहाँ उन्होंने व्रत करके भी देखा, खाना नहीं खाया या हर तरीके से उन्होंने किया। लेकिन फाइनली जब उन्होंने देखा कि इनलाइटनमेंट होने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक मेडिटेशन की ज़रूरत है, एक अंदर से इंसान को बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है सच्चाई तक पहुँचने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो जब उन्होंने ये किया था तो उन्होंने अपना धम्म चक्र परिवर्तन जब किया था तब उन्होंने अपने सरमन दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले पाँच ब्राह्मण को दिया था, उनको इसके बारे में बताया था। तो हम ये नहीं कह सकते उनका जन्म हुआ था नेपाल में, लेकिन उन्होंने भारत में बहुत कार्य किए, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे जब गौतम बुद्ध का टाइम था उस टाइम उन्होंने यहाँ पे इक्वालिटी की बात भी की थी, चाहे हम महिलाओं को लेके बात करें, क्योंकि संघ जब बना था तो वो आपके क्या कहते हैं मॉन्क्स के लिए भी था, नंस के लिए भी था, लेकिन पहले जो आया था वो मॉन्क्स के लिए आया था, नंस के लिए बाद में आया था। बट जब नंस के लिए भी आया था तो उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे इक्वालिटी दी थी, वुमेन्स को भी दी थी, इनको भी दी थी। लेकिन जो ये सिस्टम था ना बुद्धिज़्म का, कि जो ये बुद्धिज़्म यहाँ से भारत से चला कैसे गया, क्योंकि अगर हम बाहर की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत बहुत बड़े लेवल पे है, वहाँ पे लोग बुद्धिज़्म को ही ज़्यादा मानते हैं, मोनेस्ट्रीज है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है, मंदिर है, मोनेस्ट्री बहुत कम मिलेंगी आपको, या अगर मोनेस्ट्री मिलेंगी भी तो आपको नॉर्थ साइड में मिलेंगी जहाँ पर इनका ज़्यादा रहा है। तो क्या था कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो संघ था उसमें बहुत सारे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कभी चीज़ देखी नहीं कि ये ब्राह्मण है या फिर ये किस उससे, ना तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम था ना कुछ और था, उन्होंने सबको संघ में एंट्री दी थी। लेकिन जब महापरिनिर्वाण हुआ तो जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने वही ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर दोबारा से लाना शुरू कर दिया, वही वुमेन्स को दोबारा उस पैट्रियार्की सिस्टम पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ गौतम बुद्ध ने बहुत उनको राइट्स दिए थे संघ में, वहीं लेकिन उनको उन्होंने वापस ला के खड़ा कर दिया, उसी स्ट्रक्चर में ले आए वहीं पे, जिसकी वजह से जो बौद्ध धर्म था वो विलुप्त होता चला गया, क्योंकि वही सेम चीज़ होने लगी, ब्राह्मणिकल सिस्टम फिर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने लगा और जो बौद्ध धर्म था वो बहुत कम होता चला गया। लेकिन बौद्ध धर्म इंडिया से कम हुआ, लेकिन बाहर की कंट्रियों में, थाईलैंड वगैरह, साउथ कोरिया वगैरह, यहाँ पे इतना ज़्यादा पैमाने पे, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को पढ़ते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, समझते भी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, आज इन्होंने ये कह दिया तो वो वही करेंगे, उस ब्राह्मण ने ये कह दिया तो उन्होंने वो करना है, यहाँ कुछ नहीं समझना। मोनेस्ट्रीज़ में वो जाके भी नहीं देखते हैं कि मोनेस्ट्रीज़ में हो क्या रहा है, और तो सब छोड़ो, मोनेस्ट्रीज़ में जाके भी नहीं देखते, पढ़ते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ेंगे, उसमें क्या था, गौतम बुद्ध ने क्या किया क्या नहीं किया, कोई मतलब नहीं।